सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दिन चैनल से फ्रेंड्स आज प्राप्ति लेकर के आया हूँ 17 जुलाई सन 2022 वीकली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अल्वारो लारियो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष बने हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्थापना 1977 में हुई थी, मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय कुमार बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है, स्थापना 1 सितंबर 2000 में हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि फेरारी के रेसर हैं और मोनाको के रहने वाले हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? चीन और पाकिस्तान के बीच में ये अभ्यास आयोजित हुआ है, ए आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल शंघाई तट चीन, संस्करण दूसरा इसका रहा है। थीम जॉइंटली डीलिंग विद मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में, ए आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है, संस्करण 22वां है, शुभंकर पेरिदेबुल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? 135वें स्थान पर रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 0.629 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख उप सूचकांकों में लैंगिक समानता को मापा जाता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। सूचकांक शीर्ष 3 देश यहां पर रहे हैं, आइसलैंड 1st नंबर पर रहा है, फिनलैंड 2nd पर और नॉर्वे 3rd नंबर पर यहां पर रहा है। सूचकांक जारी करता विश्व आर्थिक मंच WEF रहा है, मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में, संस्करण 16वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है, डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हाई स्पीड तेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नए निदेशक बने हैं, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 जुलाई को, डी आपका आंसर हो जाएगा।
इन ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स ए रेसिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग एप्रोप्रिएट एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की करेंसी नगोल ट्रेम है, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रेबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम, पुरुष युगल मैथ्यू एवडेन और मैक्स पर्सेल ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। महिला युगल में बारबोरा क्रेजी कोवस और कैटिना सिनिया कोवस चेक गणराज ने खिताब जीता है। व्हीलचेयर पुरुष एकल का खिताब सिंगो कुनिदा जापान ने जीता है। व्हीलचेयर महिला एकल का खिताब डाइडे डी ग्रोंट नीदरलैंड ने जीता है। व्हीलचेयर क्वाड सिंगल सैम श्रोडर नीदरलैंड ने खिताब जीता है। आयोजन स्थल लंदन इंग्लैंड में रहा है, संस्करण 135वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आर के गुप्ता यहां पर बने हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता पल्लवी सिंह ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पल्लवी सिंह ने विश्व क्षत्रिय मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता। आयोजन स्थल योसु दक्षिण कोरिया में रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। यह उपकरण एक मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाया गया है, जो जीन को कैंसर से बचाव करने वाले ट्यूमर सेप्रेसर्स, कैंसर का कारण बनने वाले आंकोजीन और न्यूट्रल जीन में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो विकसित किया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने, डी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों और राजमिस्त्रियों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे श्रमिकों कुशल एवं स्मार्ट कारीगर बन सकेंगे। श्रमिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रत्येक श्रमिक को 4200 रुपये भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर पहला राज्य बनेगा राजस्थान, डी आपका आंसर हो जाएगा। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी भारतीयों नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया चेन्नई तमिलनाडु में, भी आपका आंसर हो जाएगा। एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं यशपाल शर्मा, भी आपका आंसर हो जाएगा। ACFI कार्गो ऑपरेशन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों का गठन किया एक संगठन है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, इस फॉर्म का उद्देश्य आयातक और निर्यातक और सहित कार्गो से जुड़ी सभी एजेंसियों को सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा
द केस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है। तो यहाँ पर ये ली है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15,00,000 किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी का सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। यहाँ पर 2023 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। वहीं भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 में 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10.4 अरब तक पहुंच सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? कि पहली महिला बनी गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की रहने वाली है। ये आपका आंसर हो जाएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। सदस्य देश 190 है। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जेवा है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ मंथ का पुरस्कार जीता जानी बियरस्टो इंग्लैंड के खिलाड़ी ने और मैरी जान कैंप दक्षिण अफ्रीका ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा जान सकेंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके नए प्रमुख बने हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। मुख्यालय गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता? डी को केस ने इस खिताब को जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? आर दिनेश को यहाँ पर नामित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। CH कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके फुल फॉर्म है CII की। भारतीय उद्योग परिसंघ स्थापना हुई थी 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सिमोन बाइल्स इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओलंपिक जिमनास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे सिमोन बाइल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? कंपनी बनी है गौडी इंडिया, हैदराबाद में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती हैं और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ किया सूरत, गुजरात में। बी आपका आंसर हो जाएगा।
इस बैठक में राज्यों के आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब यहाँ पर जीता है रचनाक इंथाना ने, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। महिला एकल रथ चानोक इंथानोन थाईलैंड ने खिताब जीता है। पुरुष युगल में ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी जापान ने खिताब जीता है। मिश्रित युगल में झेंग शिवेई और हुआंग याकियोंग चीन ने खिताब जीता है। महिला युगल का खिताब एप्रियानी रहयू और सिटी फादिया सिल्वर राम दंथी इंडोनेशिया ने खिताब जीता है। आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया में इसका रहा है। इस सम्मेलन में हजारों किसान तथा अन्य हितधारक भी शामिल हुए हैं जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट है आपका संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई यहाँ पर बना है। ए आपका आंसर हो जाएगा। यह तकनीक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित सिक्रालिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ वास्तविक और डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, भारत के रहने वाले हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने यह उपलब्धि, इन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले गए दूसरे 2020 मैच के दौरान हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह गृह मंत्री ने इसकी बैठक की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी इसके नए SBI के जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। खर्ची का अर्थ है पापों की सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेटिंग दी ब्रेड दी जेन जेड वे ऑफ सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? प्रार्थना बत्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग दक्षिण कोरिया ने इस खिताब को जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पुरुष एकल में इंडोनेशिया के चिको आराधी वार्डोयो ने हांगकांग के एंगस NG का लॉन्ग को हरा कर यह खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पुरुष युगल हजार अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियन तो इंडोनेशिया ने खिताब जीता। महिला युगल को चेन किंग चेन और जिया ये फान चीन ने इस खिताब को जीता है। मिश्रित युगल झेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग चीन ने इस खिताब को जीता। आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 जुलाई को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। थीम इसकी रही है इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट दी प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई तकनीक पर विशेषज्ञ जानकारी प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग
सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? नारायणन कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दिल्ली करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। इस त्यौहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी और त्यौहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। G20 संगठन के लिए भारत ने के नए शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत इसके नए शेरपा बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ कैरियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से छात्रों को नौकरी के लिए तैयार होने के साथ साथ युवाओं की आवाज़ को सुनने और बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है। प्रमुख कैथरीन एम रसेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। फ्री स्टाइल प्रतियोगिता 3 देश ने भाग इसमें लिया था। ईरान फर्स्ट नंबर पर है 228 अंकों के साथ। भारत सेकंड नंबर पर रहा है 185 अंकों के साथ। कजाकिस्तान 148 अंकों के साथ थर्ड स्थान पर यहाँ पर रहा। आयोजन स्थल मनामा बहरीन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सर्वावैक नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको विकसित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 जुलाई को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आधार फेस RD के नाम से इसको मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस आधार ऐप के माध्यम से आधार धारक विभिन्न आधार एप्लीकेशंस के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें जीवन प्रमाण, राशन वितरण, कोविन वैक्सीनेशन ऐप, छात्रवृत्ति योजनाओं और किसान कल्याण योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये बना है 68वां देश। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंटरपोल अब भारत को ऑडियो विजुअल डाटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध सतल के बीच संबंधों की जांच की अनुमति देगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी है। महासचिव जर्गन स्टॉक है। सदस्य देश 68 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत नीति निर्मातों के साथ विचार विमर्श करके बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हिली
दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये 7 जुलाई को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो यहाँ पर विकसित किया जा रहा है कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डे को, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस हवाई अड्डे में सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और ज़मीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है? जापान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं, जो कि भारत के रहने वाले हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सैफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन्स फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन और MD आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डा सेंटोस का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अंगोला के राष्ट्रपति का यहाँ पर निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा में किया गया है। जून 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? झारखंड। संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती ने प्रसिद्ध रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की 161वीं जयंती का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के लिए किस निशानेबाज ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? अर्जुन बबूता ने यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ और बने रहे नए संसद भवन की छत पर 9,500 किलोग्राम राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? नई दिल्ली में किया है। बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया है। हैचेट इंडिया के 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा पर माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ नामक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सुसान निनन और विश्वनाथ आनंद ने इस पुस्तक को लिखा है। बर्मिंगहम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हांगजू, एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? कंपनी बनी अदानी स्पोर्ट्स सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के अंतर सरकारी
समिति ने किस देश को चुना है, भारत को चुना है। विशेष अनुसंधान और विकास नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने की है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था, मोहम्मद बर्केंडो इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिकी की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022, भारतीय मूल की जयश्री के उल्लास किस स्थान पर रही है, 15वें स्थान पर रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत की कुपोषित आबादी 247.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई है, 224.3 मिलियन हो चुकी है। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिरिक्त प्रभारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका क्या नाम था, ब्रजेंद्र कुमार सिंगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 54 वर्ष की आयु भारतीय भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फोर्ब्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, प्रतीक पोटा बने हैं। दी मैकमोहन लाइन इस सेंटर ऑफ डिस्कोर्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है, जनरल जे जे सिंह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। जुलाई 2022 में जारी की गई ICC ODI क्रिकेट टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम किस स्थान पर रही है, तो ये यहाँ पर 3रे स्थान पर रही है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया, अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को यहाँ पर शामिल किया है। किस देश पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है, कहाँ के रहने वाले थे, मैक्सिको के रहने वाले थे। केंद्र सरकार ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी, वडोदरा गुजरात ने ये मंजूरी दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से, यूनाइटेड नेशनल पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर लिखी गई स्वाधीनता संग्राम ना सर्विरो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री ने इसका विमोचन किया है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, जाह्नवी डांगेती ऐसी कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया है, 10 जुलाई को मनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB रक्षक नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस रक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, भारतीय वायुसेना ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवधर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है, झारखंड में किया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।